गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा है संधि की परिभाषा, अब हम आते हैं संधि के भेद के विषय में। बच्चों, संधि के तीन भेद हैं, जिसमें से पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब हम बारी बारी से सबकी परिभाषा और सबके भेद जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं स्वर संधि पे। स्वर संधि की परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखा है कि दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोर आलय। अब देखिए, यहाँ विद्या में, यहाँ इसके अंदर क्या छिपा हुआ है? आ। और ये ऑलरेडी दृष्टव्य है कि यहाँ पे आ लिखा हुआ है। इस प्रकार आ और आ जुड़ करके आ में बदल गया और वो आ की मात्रा जो है सो यहाँ आ गया। इस प्रकार ये हो गया विद्यालय। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार दो स्वरों का परस्पर यहाँ पर मेल हो रहा है और मेल होने के बाद ये दो अलग अलग शब्द जुड़ करके मिल करके एक शब्द बन गए और वो नए शब्द यानी कि परिवर्तन जो यहाँ पे लिखा है, परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव, बदल जाना। ये जो अलग अलग दो शब्द थे वो दोनों मिल करके इसमें जो विकार उत्पन्न हुआ उसके कारण ये हो गया विद्यालय। अब हम जानेंगे स्वर संधि के भेद के विषय में। बच्चों, स्वर संधि के पांच भेद हैं, जिसमें से बारी बारी से हम सबको जानेंगे, सबकी परिभाषा और सबके उदाहरण के साथ जानेंगे, जिसमें से सबसे पहले आपको आता है दीर्घ संधि। आज हम जानेंगे दीर्घ संधि के विषय में। दीर्घ संधि की परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखा है कि ह्रस्व या दीर्घ। बच्चों, आप ह्रस्व और दीर्घ जानते हैं। ह्रस्व या दीर्घ यानी कि अ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, हर्षी, हर्षु आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और दीर्घ उ बन जाते हैं। जिस प्रकार अ जोर आ बराबर आ, ये देखिए ह्रस्व अ हो गया और ये दीर्घ आ हो गया। इस प्रकार ये बन गया आ। अब आइए हम एक उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। जैसे हीम। बच्चों, मैंने आपको भले ही बता रखा है कि हमको ये यहाँ पर कौन सा वर्ण लिखा हुआ उसे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब है हमको इसके अंदर जो स्वर छिपा हुआ है। तो ये कौन सी है? ये यहाँ पे अ है और ये ऑलरेडी हमको यहाँ दृष्टव्य है कि आ लिखा हुआ है। इस प्रकार ह्रस्व अ और दीर्घ आ का जब परस्पर मेल होगा तो ये आ की मात्रा बनेगी और इस प्रकार यहाँ पे हो गया हिमालय। दूसरा है दीर्घ आ और ह्रस्व अ का जब परस्पर मेल होगा तो ये क्या बनेगा? आ। इस प्रकार विद्या में क्या है? आ। और यहाँ है क्या? अ, यानी कि आ और अ ये दोनों मिलकर के यहाँ क्या बन गया? आ। इस प्रकार ये क्या हो गया? विद्यार्थी। तो आज हम जाने, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना संधि की परिभाषा और इस वीडियो के अंतर्गत मैंने जाना संधि के भेद। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोर आलय, समय कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे कम उदाहरण दिया है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे विस्तृत उदाहरण के साथ। उसके बाद स्वर संधि के पांच भेद हैं, दीर्घ, गुण, आयादि, जिसमें से सबसे पहले हम जाने हैं दीर्घ संधि के विषय में, दीर्घ संधि की परिभाषा और दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण। अब आगे हम जानेंगे स्वर संधि के भेद के विषय में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी हमने